हाँ बबलू भाई जी, क्या हुआ अभी? पैसा दिया कि नहीं मालिक? हम मालिक आज दिया 15,000 रुपए। हाँ हाँ बाकी सोमवार को बोलता है 18,000 और बचा है, 33,000 था ना। हाँ हाँ तो बोल रहा है सोमवार को मैं देता हूँ 18,500। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहा है कि तुमको अगर सोमवार को चेक चाहिए चेक ले लो, नहीं तो फिर कैश अगर आता तो कैश देता हूँ। नहीं नहीं उसको बोलिए भैया कैश दीजिए, ठीक है ना? उसको बोलिए कि हाँ हमको चेक भंजाने नहीं आता है, हमको बैंक का मुंह नहीं देखे हैं, सीधा हाँ बोलिए। वही हमको भी बोल रहा था बबलू भाई आज कि मैं तुमको 15,000 कैश लो, बाकी 18,000 का तुमको चेक देता हूँ मैं, तुम सोमवार को भजाना। मैं बोला मुझे चेक भजाना नहीं आता, मैं चेक नहीं चलाया है। हाँ तो बोला ठीक है मैं सोमवार को फिर कैश देता हूँ, ऐसा बोला। ठीक। नहीं देखिए अभी जो महाराष्ट्र वाला एक केस सुने थे ना हाँ हाँ जो, वो सुने थे ना यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पर, मैंने वो थोड़ा बवाल बहुत ज्यादा मच गया था। हाँ अभी मैंने उसका बगल बगल ओनर भी हमको फोन किया था, ठीक है? अच्छा, हाँ कि भैया देखिए हम हम तो अगर जो है ऑपरेटर बिल्कुल। उनको चाहिए तो सीधा यूनियन से लेंगे, ठीक है? हाँ बराबर है हाँ हाँ देखिए काम सही से ना। करना है, अगर पेमेंट अगर फंस रहा है तो भाई यूनियन है, ठीक है? हाँ बराबर है। हाँ नहीं फिक्र रहना हाँ है, और मैंने देखिए कोई भी गलत काम नहीं करना है मशीन के पास रहते हुए। नहीं हम नहीं काम गलत काम करने नहीं के हैं तो करेंगे। काम करिए, आपका सैलरी नहीं दे रहा है तो भैया संस्था से संपर्क करिए। हाँ हाँ बराबर है, यही बात है ये। हाँ ये वो आपसे बात किए है ना, जी। आप हाँ उनको बोले कि 15,000 रुपये दिया है ना, फिर बबलू भाई को मुझे फोन करना पड़ेगा। जी हाँ बोला ठीक है बात कर लो, और वही मैं 18 तारीख को क्या बोलते सोमवार को 25 तारीख को होता है हाँ ना, मैं 25 तारीख को आपको पूरा पे करता हूँ, ऐसा बोला। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोला नहीं कर रहा तो फिर मुझे यूनियन से बात करना पड़ेगा। बोले नहीं बात करो ना करो, मैं 25 तारीख को तुमको देगा, ऐसा बोला। नहीं देखिए हमको उसको बोल दीजिएगा, देखिए आपका हाँ यूनियन दुश्मन नहीं है हाँ और बराबर किसी है। का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन किसका है जो मजदूर का पैसा नहीं देता है, ठीक है ना? इसके लिए भैया यूनियन में इतना काम हो रहा है, मेहनत हो रहा है ताकि ऑपरेटर का पेमेंट ना फंसे। बार बार एक ही मुद्दा आ रहा है, हर जगह से यही मुद्दा और आ रहा है, और दूसरों को भी आप बताइए समझाइए, ठीक है? हाँ हाँ बता देना। और देखिए आईडी कार्ड जरूर बोलिए बनवाने के लिए। नहीं हम लोग तो 5-4 ने आईडी बनवाया, बाकी और भी बनवाने के लिए बोले हैं, बोला है कि 1 तारीख को बनाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ रतन है, राजू है, शाहनवाज है, हाँ बाकी हम लोग 5 है ना। एक चांद है उसका नहीं बनाया, चांद को भी 1 तारीख को बनेगा बोलते हैं। 1 तारीख को हम बोले बोलो हाँ भाई को अपना फोटो और ये अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए संस्था किस लिए है भैया? आप लोग के लिए है ना, ऑपरेटर के लिए है। और हाँ ऑपरेटर बराबर है। देखिए इसको चलाने के लिए तो सहयोग चाहिए, बिना सहयोग का तो संस्था चलेगा नहीं। एक मोबाइल चलाने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, हर महीना रिचार्ज करना पड़ता है, यही बात है ना? इसलिए हम बोलते हैं भैया आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा ना तो संस्था आगे बढ़ेगा। जब संस्था आगे बढ़ेगा तो संस्था के पास पावर रहेगी, किसी के पास लड़ सकती है पैसा निकलवाने में। बराबर है। मान लीजिए अगर आपका ओनर पैसा नहीं देता, उनके ऊपर केस करते, तो भैया कोर्ट में जाने आने के लिए खर्चा तो चाहिए ना? हाँ चाहिए ना। हाँ तो यही बात है। और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा हाँ है, तेलंगाना से आ रहा है, हैदराबाद से। और हमारा बबलू भाई एक जगह का और है ना 9,000 रुपये, कहाँ का? तो वही महाराष्ट्र का। हाँ 15 दिन चला के उसके बाद बारिश का टाइम मुझे बंद करवा दिया था ना, तब मैं इधर लगा। ठीक है वो भी बात करेंगे, ठीक है ना? ये पहले पैसा निकालिए, ठीक है? हाँ हाँ भाई ये पैसा निकालने के बाद हमको मंडे को बोला है ना देने के लिए? हाँ हाँ मंडे को बोला है। हाँ तो मंडे मंडे को अगर दे दे रहा है तो हमको फोन करिए, ठीक है ना? हाँ मैं आपको हाँ आपको फोन करूँगा।